16 जून 1984 डेरा बाबा श्याम सिंह दे सिंघां दी शहीदी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रोजाना अजीत दे मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर साधु सिंह हमदर्द ने श्री दरबार साहब ते होए फौजी हमले विरुद्ध रोस प्रगट करन लई भारत सरकार नूं अपना पद्म श्री दा खिताब अज वापस कर दिता है। उन्हां नूं फौजी हमले दा बड़ा ही दुख होया है। इस दुख नूं ना सहारदे होए दिल दे एक मारू हमले कारण ओह 29 जुलाई 1984 नूं सदा लई अखां मीट गए। पंजाब दे साबका खजाना मंत्री सरदार बलवंत सिंह ने गवर्नर श्री पांडे नूं खत लिख के मंग कीती है कि श्री दरबार साहब कंपलैक्स चों फौज कढ के फौरन श्रोमणी कमेटी दे हवाले कीता जाए। कंपलैक्स अंदर सारियां इमारतां दी मरम्मत कार सेवा राहीं कीती जाए। रेल गड्डियां हाले तक बंद ही हन। पाकिस्तान विच रुके हुए भारतीयां लई अज तों विशेष गड्डियां चलाईयां जा रहीयां हन। श्री दरबार साहब ते फौजी हमले विरुद्ध कुछ लोगों ने जिला रोपड़ विच भाखड़ा मेन नहर नूं एक थां तों 5 ते 6 जून दी विचकारली रात नूं तोड़ दिता सी। सरकार ने अज संबंधित पिंडां नूं सांझे तौर ते 1 करोड़ दा जुर्माना लगाउण दा फैसला कीता है। एक सरकारी विभाग विच काम करदे मेरे एक मित्र जो कंपलैक्स विच अक्सर जांदे रहिंदे हन मेरी रिहायशगाह ते जा के आए हन। उन्हां दस्सिया कि घर विच सारा समान खिलरिया पिया है, फ्रिज पई है पर उसनूं गोलियां लगियां हन, अंदरों तोड़ी पई है, टैलीफोन भी टुटा होया पिया, टीवी सैट नहीं दिसिया, अलमारियां खाली हन। जापदा है कि घर का कीमती समान लुट लिया गया है। वख-वख वसीलियां तों जानकारी अनुसार मैनूं यकीन हो गया है कि मेरे घर का समान फौजियां ने लुट लिया है। मेरे पास वह कपड़े हैं जो मैं 3 जून रात नूं पा के खाली हाथ घरों निकलिया सी। गर्मी बड़ी है, कपड़े मैले हो जाते हैं तां रात नूं आपे धो लैंदा हाँ अते अगले दिन सवेरे बिना प्रेस कीते ही पा लैंदा हाँ। मैं महसूस कर रहा हाँ कि मैं एक रिफ्यूजी वांग हाँ, सगों एक तरह रिफ्यूजी ही हाँ। वो रिफ्यूजी जो अपने ही देश विच, अपने ही शहर विच, अपने ही देश की फौज वालों बना दिता गया है। मेरा मकान जो फौज के कब्जे विच है, घर का समान जो मैं अते मेरी पत्नी ने अपने खून पसीने की कमाई नाल पिछले कई सालों विच बड़ियां रीझां नाल बनाया है, साड़ी अपनी ही फौज ने लुट लिया है। नादर शाह अते अहमद शाह अबदाली दियां फौजां वांग मेरे सुपने, मेरा सुख आराम सब लुट लए गए हैं। केंद्रीय मंत्री श्री बूटा सिंह पिछले कई दिनों तो अमृतसर के चक्कर लगा रहे हैं। वो सिख पंथ की शख्सियत बाबा खड़क सिंह जी ते जोर पा रहे हैं कि वह श्री अकाल तख्त साहब की मरम्मत की कार सेवा लै लैन। सरकार चाहती है कि सिख ढै ढेरी होया अकाल तख्त ना वेखण ता जो उन्होंने जज्बात ना भड़कण। बाबा जी ने शर्त लगाई है कि पहला सारे कंपलैक्स विचों फौज वापस बुलाई जाए। इस उपरंतो श्रोमणी कमेटी अते पंथक जथेबंदियां दी सलाह अते बेनती उत्ते ही कार सेवा करनगे। मोगे वाल बसां चलन लगियां हन। अज उधरों शेखां कलां तों मेरा मित्र जरनैल सिंह शेखां मेरी राजी खुशी दा पता लैण अते फौजी कारवाई नाल होई तबाही वेखण आया है। असीं दोवें श्री अकाल तख्त साहिब दे पिछले पासे दे बाजारां दी तबाही दे दृश वेख रहे सी कि आटा मंडी स्थित बाबा श्याम सिंह जी दे डेरे दे एक रागी सिंह भाई मेहर सिंह जी मिल पाए। उन्होंने डेरे दे सिंघां उत्ते फौज वालों अत्याचार करके शहीद करन अते लुटमार दी लूं कंडे खड़े करन वाली दर्दनाक दास्तान सुनाई। यह डेरा सैकड़े साल पुराना है। हर रोज अमृत वेले श्री दरबार साहब दे इशनान पिछों आसा जी दी वार शुरू होण तों पहलां अरदास करन समें इस डेरे तो कड़ा प्रसाद जांदा है। इस समय बाबा खड़क सिंह जी इस डेरे दे जथेदार भाव मुखी हन। भाई मेहर सिंह जी ने दसिया 6 जून सवेरे 14-15 फौजी अते BSF दे जवान डेरे लागले मंदर वाले पास्यों कंध टप के डेरे विच आ गए। अगों उन्हां नूं डेरे दे एक बजुर्ग भाई लाल सिंह जी मिले
जिन्हां दी दाढ़ी पुट के राइफलां दे बट मारदे हुए कहण लगे, खजाने की चाबियां बताओ। उन्हां जवाब दिता, असी तां इत्थे लंगर दी सेवा करदे हां, साढ़े पास कोई खजाना नहीं है। पर उन्हां जालमां ने यह कहना सुनी अते बड़ी ही बेदर्दी नाल मारदे रहे। पिछों यह फौजी जुतियां समेत उस हाल विच आए जिथे पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुंदा है। एक नौजवान सिंह भाई बचन सिंह पाठ कर रहा सी, उसनू इन्हां ने जुतियां समेत ही महाराज की ताबिया तो जबरदस्ती वैशियाना ढंग नाल घड़ीस लिया। पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब उत्ते रमाला भी नहीं पाउण दिता अते पिछले 100 साल तो भी वध समय तो चल रहे पाठ नू खंडित कीता। बचन सिंह नू बाहर लिया के बेदर्दी नाल मारना शुरू कीता। एक होर बजुर्ग सिंह भाई केर सिंह, जिन्हां दी भजन बंदगी संत सुभा अते निम्रता कारण सारे भगत जी कहिंदे सन, इधर आए। उन्हां पुछया, इस बच्चे नू क्यों मारदे हो? जालम फौजियां ने भगत जी नू मार मार के हेठां जमीन ते लम्मा पा लिया, हाथ पिछे बन दिते, सिर दे अद्धे वाल सज्जे पासे दाढ़ी नाल बन के, अद्धे खब्बे पासे दाढ़ी नाल बन के, विचकार हाथ पा के दोवों पासे रस्से वांग खिंचण लगे। जदों नीम बेहोश हो गए तां धुप्पे सुट दिता। इसे तरह डेरे दे सारे सिंघां दे हाथ पिछे बन तशद्दद करदे रहे। नीम बेहोश करके सड़दी धुप्प विच तपदे फर्श ते सुटदे रहे। बाबा खड़क सिंह जी ने इस डेरे की सेवा संभाल ली। जथेदार किरपाल सिंह, जो अटारी तो एक रामगढ़िया किरती परिवार नाल संबंध रखते सन, नू जथेदार नियुक्त किया होया सी। उन्होंने इन्हां जालम फौजी अते BSF दे जवानां नू बथेरा कहा कि इस डेरे विखे सारा दिन लंगर चलता रहिंदा है, जिथे अजकल खाना खाण वाले वधेरे करके यूपी बिहार राजस्थान आदि मजदूर हैं। पर जथेदार करपाल सिंह जी नूं तसीहे देण लगे, सिर विच राइफलां दे बट मारन लगे। पिछों वो डेरे दीआं सारीआं अलमारियां आदि जिंदरे जबरदस्ती तोड़न लगे। डेरे दे एक सिंह भाई दौलत सिंह जी कुछ दिन पहला ही चंडीगढ़ लागे अपनी जमीन वेच के गए सन अते 60,000 रुपए एक अलमारी विच रखे सन। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੱਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:30-2 ਵਜੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰਾ ਕੁਦਾਇਆ ਆਈ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਰਨ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਵਾਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ DSP ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੱਦਰ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਅਤੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ। ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ, ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।